जय श्रवण नारायण मित्रों मित्रों आज हम बात करेंगे महर्षि पाराशर द्वारा रचित बृहत पाराशर होरा शास्त्रम के 25वें अध्याय भावेश फलाध्याय के श्लोक नंबर 94 के विषय में। तो मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि हम इतने दिनों से भावेश फलाध्याय की चर्चा कर रहे हैं, अर्थात पहले घर का मालिक कहाँ बैठेगा तो क्या फल देगा, दूसरे घर का मालिक किस घर में बैठेगा तो क्या फल देगा, इस प्रक्रिया को लेकर के आज हम नवे घर के तरफ चल पड़े हैं। और ये हमारा नवे घर का तीसरा वीडियो है जो आपको ये बतलाएगा कि अगर भाग्येश यानी कि नवे घर का मालिक कुंडली के तीसरे घर में बैठे तो कैसा फल देता है। तो इस विषय को आज हम बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताएंगे क्योंकि कुछ लोगों को ये बात समझ में आ नहीं रहा है, तो आज मैं बिल्कुल स्पष्ट करके आप लोगों को बतलाने का प्रयत्न करूंगा कि आखिर ये चीज कैसे समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम महर्षि पाराशर को देखते हैं कि महर्षि कहते क्या। कहते हैं कि भाग्य से भ्रातृभावस्थे जातो भ्रातृ सुखान्वितः धनवान विक्रमी रूप गुणशील समन्वितः। महर्षि पाराशर कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में नवे घर का मालिक अगर तीसरे घर में बैठता है तो ऐसा जातक जो है वो भाइयों के सुख से संपन्न होता है। ठीक है, ऐसा जातक धनवान पराक्रमी रूप गुण एवं शील से संपन्न होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा फल है। अब हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कुछ और भी दिखाएं। जैसे आप अपनी कुंडली देखिए कि आपकी कुंडली किस लग्न की है। ठीक है, अगर आपकी कुंडली मेष लग्न की है तो मेष लग्न में नवा घर कौन सा है, यहाँ से गिनना शुरू करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, नवे घर का मालिक गुरु होगा क्योंकि नवे घर में 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर का मतलब धनुराशि, धनुराशि का मालिक कौन है, गुरु। अब गुरु को देखना है कि वो कहाँ बैठा है, तो मेष लग्न की कुंडली में गुरु नवमेश और व्ययेश होता है, अर्थात 12वें घर का भी मालिक होता है। अब ऐसा गुरु नवे घर का मालिक होने के नाते तीसरे घर में अगर बैठता है तो बहुत शुभ फल देता है, परंतु 12वें घर का मालिक होते हुए और तीसरे घर में बैठे तो कैसा फल देता है, ये भी जानना हमारे लिए जरूरी होगा। तो ये भी हम हमारे यूट्यूब पर ये वीडियो आपको उपलब्ध मिलेगा, आप वहां जाकर के इसके विषय में भी जान सकते हैं। ठीक है, तो मित्रों तीसरे घर में अगर वृषभ लग्न की कुंडली है आपकी तो वृषभ लग्न की कुंडली में नौवे घर में 10 नंबर लिखा होता है और 10वें घर में 11 नंबर, ये दोनों 10 और 11 यानी मकर और कुंभ राशि शनि की है। और अगर शनि तीसरे घर में बैठता है कर्क राशि के ऊपर तो बहुत ही अच्छा और शुभ फल देता है, भाइयों का सहयोग देता है। तो ऐसे में इस ग्रह के लिए हम इसका रत्न गोचर के अनुसार, क्योंकि शनि है तो थोड़ा सोचना पड़ता है, तो गोचर वगैरह देख करके दशा वगैरह देख करके हम इसको धारण कर सकते हैं। अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए नवे घर में 11 नंबर लिखा है यानी कुंभ राशि, कुंभ राशि का मालिक कौन है, शनि। शनि अगर तीसरे घर में बैठता है तो चंद्रमा की राशि हो जाती है। प्लस साथ में आपको ये भी देखना है कि ये ग्रह अगर अकेला है या फिर और कोई ग्रह इसके साथ में है, अथवा तो ये भी देखना पड़ेगा कि किन किन ग्रहों के उसके ऊपर दृष्टि है। ठीक है, तभी आप कुल मिला करके निर्णय निकाल सकते हैं। तो ये आप देख लें और उसके बाद ही सोच समझ कर, इसी प्रकार आप देखेंगे कर्क लग्न की कुंडली में, तो कर्क लग्न की कुंडली में वहां मीन राशि लिखा रहता है, परंतु बात वही हो जाती है कि मीन राशि का मालिक गुरु जो है वो छठे घर का भी मालिक है क्योंकि छठे घर में 9 नंबर लिखा है, 9 नंबर यानी कि धनु राशि, तो ये दोनों घरों का मालिक होकर के और तीसरे घर में बैठता है। ठीक है, अब जिसकी बहुमत होगी उसकी सरकार बनेगी, तो जैसा इसका पलड़ा भारी होगा शुभ की ओर ज्यादा होगा तो शुभ फल देगा, अशुभ की ओर ज्यादा होगा तो अशुभ देगा, कभी कभी साइलेंट भी हो जाता है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा डिग्री वाइज बराबर के हिसाब से। अगर सिंह लग्न की अगर आपकी कुंडली है तो सिंह लग्न की कुंडली में मेष राशि यहाँ बैठती है, अब मेष राशि का मालिक है मंगल, मंगल की दूसरी राशि है वृश्चिक, वृश्चिक राशि को देखना है कि इस घर में कहाँ बैठे, तो सिंह लग्न की कुंडली में चौथे घर में वृश्चिक राशि बैठती है और नवे घर में मेष राशि। अब ये दोनों घरों का मालिक अगर मंगल हो गया तो समझो अकेला राजयोग कारक है, नवे घर का मालिक होकर के तीसरे घर में बैठता है ऐसा मंगल, तो वृश्चिक राशि का मालिक होने के नाते अपने घर से 12वें घर में हो जाता है, फिर भी ये यहाँ पे बैठ के शुभ फल देगा और संपूर्ण राजयोग कारक होगा, भाइयों के सहयोग से ऐसा जातक राजा हो सकता है।
ठीक है, धनानंद की तरह। अब अगर हम कन्या लग्न के कुंडली की बात करें तो कन्या लग्न की कुंडली में दो नंबर लिखा रहता है भाग्य भाव में, दो नंबर का मालिक है शुक्र जो कि वृषभ राशि होती है, और शुक्र की दूसरी राशि है तुला जो सेकंड हाउस में बैठती है। थर्ड हाउस में बैठा हुआ ऐसा शुक्र आपको बहुत शुभ फल देगा क्योंकि धनेश भी तीसरे घर में अच्छा फल देता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तुला राशि की, तुला लग्न की, तो तुला लग्न में मिथुन राशि यानी तीन नंबर भाग्य भाव में लिखा रहता है, ठीक है। भाग्य भाव में तीन नंबर लिखा है, तीन नंबर का मालिक कौन है? बुध। अब तीन नंबर बुध की राशि है तो बुध की एक और राशि है कन्या, वो कन्या राशि जो है 12वें घर में बैठती है, तो 12वें घर का भी मालिक हो जाता है। अब 9वें और 12वें घर का मालिक होकर के तीसरे घर में बैठता है, तो 12वें घर का मालिक होकर के तीसरे घर में बैठता है तो कैसा फल देगा ये भी आपको जानना पड़ेगा, तो उसका भी वीडियो हमारे यूट्यूब पे उपलब्ध है, वो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम वृश्चिक लग्न की कुंडली की बात करें तो वहाँ पे कर्क राशि का मालिक है चंद्रमा, और चंद्रमा तीसरे घर में अगर बैठता है मकर राशि के ऊपर तो बहुत शुभ फल देता है। अगर हम बात करें धनु लग्न के कुंडली के में तो धनु लग्न की कुंडली में सिंह राशि वहां पांच नंबर लिखा रहता है, और सिंह राशि का मालिक है सूर्य, और सूर्य अगर कुंभ राशि में तीसरे घर में बैठता है अपने शत्रु के राशि में तो थोड़ी इसको तकलीफ तो होती है लेकिन अपनी दशा अंतर दशा और गोचर के हिसाब से बहुत अच्छा और शुभ फल ऐसा सूर्य देता है, ठीक है। अगर हम मकर लग्न के कुंडली की बात करें तो मकर लग्न के कुंडली में छठे घर का और नौवें घर का मालिक हो जाता है बुध, क्योंकि कन्या राशि वहाँ छह नंबर लिखी हुई है, छह नंबर का मतलब कन्या राशि, कन्या राशि का मतलब बुध, बुध यहाँ पे छठे घर का भी मालिक होता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों को देखने के बाद ही यहाँ पे कोई भी निर्णय लेना चाहिए। इसी प्रकार यदि हम कुंभ लग्न के कुंडली की बात करें तो कुंभ लग्न की कुंडली में नौवें घर में तुला राशि बैठती है, तुला राशि का मालिक होता है शुक्र, और शुक्र की दूसरी राशि है वृषभ जो चौथे घर में बैठी होती है, ऐसे में नवे घर का मालिक शुक्र अगर तीसरे घर में बैठता है तो बहुत ज्यादा भाग्योन्नति कारक होता है, क्योंकि ये संपूर्ण राजयोग कारक है चौथे और नवे घर का मालिक होकर के अकेला ग्रह ऐसा है जो आपके जिंदगी को उलट पलट कर रख सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें मीन लग्न के कुंडली की तो नवे घर में आठ नंबर का मतलब वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का मालिक मंगल, मंगल की दूसरी एक राशि है मेष जो सेकंड हाउस में यानी दूसरे घर में धन भाव में बैठती है, तो दोनों घरों का मालिक अगर तीसरे घर में बैठता है तो कैसा फल देगा ये जानने के बाद ही आप निर्णय करें तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम अपने कुंडली में देख सकते हैं कि किस लग्न की कुंडली है तो नवे घर में कौन सी राशि बैठेगी, उस राशि का मालिक कौन सा ग्रह है और वो ग्रह कहाँ बैठा है, तो तीसरे घर में बैठा हो तो ऐसा मंगल किस प्रकार का फल देता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया कि अगर भाग्येश यानी नवे घर का मालिक तीसरे घर में थर्ड हाउस में बैठता है तो ऐसा जातक पराक्रमी होता है, धनवान होता है, भाइयों के सुख से सुखी एवं सुंदर रूप, सुंदर गुणों से संपन्न एवं शीलवान व्यक्ति होता है, तो अत्यंत सफल है। तो इस बात का आप ध्यान, ठीक है, आप खुश रहें, आपको समझ में ना आए तो आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए तैयार बैठा, मैं आपकी सेवा में तत्पर बैठा, ठीक है। आप सदा खुश एवं प्रसन्न रहें ऐसी हमारी शुभकामना है। जय श्री मंगलाय।